फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस या नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट जगह हो, क्योंकि आज बात करेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी की, जहां पर आपको जेईई मेंस और नीट की सभी क्लासेस लाइव मिलेंगे और पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। साथ में जो कोर्स आपके कवर करेंगे वो टीचर इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे कैसे आप बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका हर हफ्ते टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप 24/7 कभी भी इनसे अपना डाउट पूछ सकते हैं और बहुत कम फीस ले रहे हैं। तो तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, और रेफरल कोड अगर आप shubham@12 डालते हो तो आपको पूरे फीस में से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी छात्र यूपी बोर्ड 2019 में सफल हो गए हैं, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी प्यारे भाई बहनों की जो किसी कारणवश कम नंबर पाए हैं या यूपी बोर्ड में फेल हो गए। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं, साथ में जो कम नंबर पाए हैं वो कैसे अपना परसेंटेज 70 से 80 कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, और आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो जो फेल हुए हैं या किसी कारणवश कम नंबर पाए। फेल और कम नंबर पाने का मेन कारण बस ये कि आपने एग्जाम टाइम में उतनी पढ़ाई नहीं की थी जितना आपको पढ़ना था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आगे की बात करते हैं, आप कैसे जो फेल छात्र हैं वो कैसे पास हो सकते हैं और जो कम नंबर पाए हैं तो वो कैसे अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो दोनों मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 स्कूटनी एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम। सबसे पहले हम बात करेंगे जो छात्र कम परसेंटेज पाए हैं, फिर बात करेंगे जो फेल हो गए हैं वो कैसे पास होंगे। तो स्कूटनी एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो यहां पर देखो सबसे पहले है कि 80% छात्राएं पास हुए हैं जबकि 70% 12 में पास हुए हैं। तो इसमें बात नहीं करेंगे, मैं आपको टोटल पहले बताता हूं आप कैसे पास हो सकते हैं या फिर कैसे परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट नीड टू स्कोर एटलीस्ट 35%, मतलब आपको 35% नंबर आपको लाना था, ठीक है। स्टूडेंट हु डू नॉट स्कोर 35% मार्क्स विल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम। मतलब अगर आपने 35% से कम नंबर पाए तो आप इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हो या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट मतलब कि आप परसेंटेज बढ़ाने के लिए दे सकते हो, और कंपार्टमेंट मतलब अगर आप एक विषय में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट की परीक्षा देकर आप उसमें पास हो सकते हो। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंटल एग्जाम विल बिगेन इन मई, मतलब मई से आपका फॉर्म भरा जाएगा इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट के लिए। तो अप्रैल 2-3 दिन बचा है, 1 मई से आपका लगभग ये फॉर्म भरा जाएगा। स्टूडेंट विल बी गिवन अ विंडो ऑफ अबाउट अ मंथ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब पूरा मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट का, ताकि आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा। और फिर ये एग्जाम कब होगा ये मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा जो छात्र फेल हो गए हैं इवन 5 सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो भी वो कैसे इसी साल पास हो सकते हैं। स्टूडेंट हु फेल इन 1 सब्जेक्ट कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट, स्टूडेंट हु फेल इन 2 सब्जेक्ट कैन अप्लाई फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम इन एनी 1 सब्जेक्ट। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर आप आसानी से उसे पास कर सकते हो एक सब्जेक्ट जो फेल हो 10th वालों, और जो किसी कारणवश कम नंबर पाए तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर आप इसको आराम से अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। दे विल बी एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू यूपीएमएसपी वेबसाइट। आपको यूपीएमएसपी वेबसाइट पर जाकर आपको इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू अप्लाई द स्कूटनी आफ्टर यूपी बोर्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है आपका नंबर कम आया है, तो आप स्कूटनी का फॉर्म भरकर आप आसानी से अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हो। स्टूडेंट नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर स्कूटनी विद इन 13 डेज ऑफ यूपी बोर्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब आपका रिजल्ट कल घोषित हुआ है तो आप 30 दिन के अंदर स्कूटनी का फॉर्म भर दो, फॉर्म कल से भरा जाएगा। मंडे पे स्कूल में जाकर आप स्कूटनी का फॉर्म भर दो, जितने भी बच्चे चाहते हैं उनका नंबर उनका कॉपी सही से नहीं चेक हुआ है सभी लोग स्कूटनी का फॉर्म भर दो। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंस हो तो आप आराम से आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। एंड द एप्लीकेशन फॉर स्कूटनी शुड बी सेंट बाई पोस्ट टू द यूपीएमएसपी ऑफिस इन द प्रयागराज, और उस फॉर्म को आपको भर के आपको प्रयागराज ऑफिस यूपीएमएसपी मतलब यूपी बोर्ड का ऑफिस में भेजना है, ठीक है। आप वहां से अब बात करते हैं 10वीं 12वीं
में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। तो जितने भी छात्र 5 सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल हो गए हो तो आप इसी साल 12वीं या 10वीं पास कर सकते हो। वो कैसे मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ ठीक है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। यदि पढ़ने की ललक है तो उनके पास साल गवाए बिना ही फिर से पास होने का मौका है। रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर ऐसे छात्रों को NIOS सेंटर जाकर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं NIOS क्या होता है। NIOS एक बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड होता है, वैसे NIOS एक बोर्ड है जिसका रिजल्ट आपका BHU, JEE मेंस, UP2 या फिर कहीं भी किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो तो आप उसके रिजल्ट के बेसिस पर आप आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था संस्थान एक बड़ी पहल शुरू की है जिसके तहत देश के किसी भी परीक्षा बोर्ड के फेल छात्र सीधे आवेदन कर पास होने के साथ अपना ग्रेड भी सुधार कर सकते हैं। 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों के लिए मौका उपलब्ध कराया गया था जिन्हें 2 बार फेल होने के बाद स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। तो अगर आप 5 विषय में फेल हो, आप जितने विषय में फेल हो, यहां पर देखो फेल विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। मतलब अगर आप मैथ और इंग्लिश में फेल हो तो सिर्फ आप मैथ और इंग्लिश का पेपर देकर आपको पूरा पास का रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यदि 12वीं के 5 विषयों में सभी विषयों में फेल हो तो सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी, लेकिन यदि 2 विषयों में फेल हो तो उन 2 विषयों के साथ कोई एक और विषय रखना होगा। मतलब टोटल 3 विषय का पेपर देकर आप इसी साल अपना पास कर सकते हो 10वीं 12वीं और आप एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में पा सकते हो। इसका रिजल्ट हर जगह मान्य है पूरे इंडिया में। जेई मेंस, जेई एडवांस, आप UP2, आप कुछ भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर किसी भी मेडिकल कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको इसका रिजल्ट का मान है। तो आप आराम से इसके थ्रू भरकर अगर आप बोलोगे तो मैं NIOS बोर्ड पे एकदम डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे उस पे फॉर्म भर सकते हैं और अपना रिजल्ट आपको पेपर देना होगा। 2 महीने बाद इसका पेपर होता है, पेपर कर आप आराम से पास कर सकते हैं। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप कम नंबर पाए हो या फिर फेल हो गए हो, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको फिर से पढ़ना चाहिए तो 1 साल फिर से पढ़ लो यार, अभी पूरी उम्र बची हुई है, 1 साल और पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। एक रिजल्ट आपका जिंदगी नहीं बता सकता कि आप आगे कितने महान या कितने पैसे वाले क्या बनोगे। अनिल अंबानी 5वीं फेल है लेकिन पूरा इंडिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। तो आप इसी से सोच सकते हैं रिजल्ट मायने नहीं रखता है। 2-3 साल बाद 10वीं 12वीं का रिजल्ट कोई नहीं पूछता है, आपसे ये पूछा जाएगा आप कितने सफल हुए लाइफ में। तो रिजल्ट के मायने बिल्कुल मतलब कुछ हद तक अभी बस है, लेकिन अगर आपको सक्सेस बनना है लाइफ में तो आपको रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आप 80% 90% रिजल्ट रहेगा तो ही आप सक्सेस बन सकते हो। तो मेरा यही कहना है आप सभी जितने बच्चे, अगर आप कम नंबर पाए हो तो आप स्कूटनी का फॉर्म भर दो, नहीं तो अगर आप 10वीं में हो तो इंप्रूवमेंट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम देकर आराम से पास हो सकते हो। अगर आप 12वीं में हो, अगर आप 1-2 विषय में फेल हो तो आप NIOS बोर्ड भर के आराम से पास हो सकते हो। अगर आप चाहते हो NIOS बोर्ड पर वीडियो बनाओ तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, मैं एकदम डिटेल्स वीडियो आपको दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है, कब एग्जाम होता है, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ, ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो सके ठीक है। और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं सभी के कमेंट का जवाब करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने उन सभी दोस्तों को भेजो यार जो अभी बिल्कुल एकदम टेंशन में है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप पास हो गए हो और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करो जो कम नंबर या किसी कारणवश फेल हो गए। बस इतना इस वीडियो में बोलना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।